भगवान शिव के श्रद्धालुओं ने शिव महोत्सव पर विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, कांवड़ चढ़ाई। क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सावन माह की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर व कांवड़ जत्थों द्वारा लाए गए गंगा जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और यहाँ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया। भट्टू मंडी में श्री श्याम मंदिर में शिव भोले के भजनों पर श्रद्धालु झूमने को मजबूर हो गए तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दिन भर कांवड़ जत्थों का आगमन, ढोल नगाड़े व डीजे के साथ वातावरण भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान रहा। भट्टू गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में महिलाओं ने उपवास रखकर व भजन कीर्तन कर शिव की आराधना की व मनोकामना मांगी। इस दौरान गांव से कुपर दुड़ोली, पीली मंदोरी, बन मंदोरी, मेहुआ सहित अनेक गांवों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यहाँ भट्टूकला में शनि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर भी पूजा अर्चना करने को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ किस तरह से भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, सुने महलों द्वारा प्रस्तुत यह भजन। भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय गिरकर युवती हुई घायल। भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर चलती रेलगाड़ी से गिरकर एक युवती घायल हो गई। घायल को आसपास के यात्रियों ने तुरंत भट्टूकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां से उसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी अनुसार गाँव भट्टूकला निवासी करीब 18 वर्षीय युवती कविता शुक्रवार को कोटा सिरसा एक्सप्रेस रेलगाड़ी से भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर उतर रही थी कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर रुकने के लिए धीरे धीरे चल रही थी तो युवती उतरने लगी, लेकिन रेलगाड़ी की स्पीड होने के चलते युवती उतरते समय प्लेटफार्म पर गिर गई, जिससे उसके सर में चोट लगने से वह घायल हो गई। आसपास खड़ी सवारियों ने उसे तुरंत भट्टूकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सभी यात्रियों से एक निवेदन है कि अपनी जान जोखिम में ना डालें। अगर आप इसमें यात्रा करने के लिए प्लेटफार्म से ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो गाड़ी रुकने पर ही चढ़ें और गाड़ी रुकने के बाद ही प्लेटफार्म पर उतरें, ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हों। भट्टूकला में चोपटा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के पास एक खतरनाक यह गड्ढा बना हुआ है, जो यहां हादसे को न्योता दे रहा है। भट्टूकला में भट्टू से चोपटा रोड पर बने रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ते समय सड़क पर बना यह गहरा गड्ढा लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इस गहरे गड्ढे से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोक निर्माण विभाग को जनता की कोई फिक्र शायद नहीं नजर आ रही। पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश से इस गड्ढे में पानी भरने से तो इसका और भी बुरा हाल हो गया है। पानी में बने यह गहरे गड्ढे दिखाई न देने से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। भट्टूकला से चोपटा जाने के लिए इस गड्ढे से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। भट्टूकला से चोपटा के लिए इस रेलवे ओवरब्रिज से ही गुजरना पड़ता है। विभाग ने करीब 20 दिन पूर्व इस गड्ढे में मिट्टी व ईंटों के टुकड़े डालकर मरम्मत की कोशिश की थी, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं किया, जिससे अब यह गड्ढा और गहरा होकर वाहनों के आवागमन में बाधा बना हुआ है। PWD विभाग के जय योगेश ने बताया कि इसके लिए पानी निकासी करने को लेकर ग्राम पंचायत से संपर्क किया गया है। इस पानी की निकासी होने के बाद इसे तुरंत ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मरम्मत का कार्य यहां शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह गड्ढा होने से लोगों को अभी थोड़ा सावधानी से यहां से गुजरना चाहिए और पानी निकासी होने के बाद यहाँ से इस रास्ते को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।